नमस्कार, मैं अर्चना आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो आज हम आए हैं गांव और गांव पे बनने जा रही ताजी ताजी लौकी और जिसे बनाने जा रही है हमारी देवरानी सरिता। इधर देखो सरिता भाई, सरिता हाँ। तो आज हमारी देवरानी बनाने जा रही है देसी स्टाइल में लौकी की, किस तरीके से चूल्हे पे लौकी बनती है। देखिए एक तरफ दूध भी उबल रहा है और एक तरफ लौकी छीली जा रही है। तो जब ये लौकी छिल जाएगी उसके बाद धुल के इसे काट लिया जाएगा। तो लौकी को काट के कढ़ाई में इसी तरीके से रख दी गई है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगी, हल्दी पाउडर डाल दिया है इन्होंने। तुम बोलो तुम्हारी अब बनाई तो रेसिपी तुम रही हो, तो तुमका बोले चाहिए। तो भाई आज हम गांव आए हुए थे तो हमने कहा सरिता के हाथ की लौकी खाई जाए, तो इसीलिए उन्हीं की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। तो हल्दी डाल दी है, तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, मतलब एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर है और एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। तो अब नमक इसमें स्वाद के अनुसार पड़ेगा। और ये बिल्कुल देसी स्टाइल में है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि मैं इसकी मतलब ये रेसिपी खा चुकी हूँ इसलिए इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी लगता है। तो अब इसको मिक्स करके इसे ढक के रख दिया जाएगा पकने के लिए। तो लौकी को मिला के इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद लौकी को चलाते ज़रूर रहें। देखिए लौकी में पानी डाला भी नहीं है और लेकिन पानी छूटा है इसीलिए, क्योंकि ये ताज़ी ताज़ी लौकियाँ हैं इसी वजह से इसमें पानी छूट आया है। तो चलिए फिर से इसे ढक के वो पकाएंगे। जब पक जाएगी तब उसके बाद इसमें तड़का लगेगा भाई। तो लौकी बहुत ही अच्छी तरीके से पक गई है। अब इसे एक बर्तन में निकाल के सरिता हमारी तड़का लगाएंगी इसमें लौकी में। देखिए हरी मिर्च भी काट रही है, लहसुन भी छील के रखा हुआ है और ये खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, इसीलिए आज इनकी रेसिपी आप तक लेके आई हूँ मैं। तो चलिए अब इसमें लौकी में तड़का लगाते हैं, फिर चावल की रोटी के साथ इसे खाया जाएगा। लौकी को एक बर्तन में निकाल लिया है, फिर उसी कढ़ाई में सरसों का तेल समथिंग 4 से 5 टेबल स्पून डाला है। तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। देखो चौकी पर लहसुन को कूटा गया है बिल्कुल देसी स्टाइल से, हरी मिर्च डाल देंगे, क्योंकि इस तरीके से बनाए तो लौकी जो है खाने में बहुत टेस्टी लगती है। लौकी हुई, पत्ता गोभी हुई, ऊपर से तड़का देने में स्वाद बहुत आता है। हरी मिर्च पक जाएगी, अब लहसुन को भी डाल देंगे और लहसुन को भी अच्छे से पका लेंगे। वैसे रेसिपी को बोलना इनको ही चाहिए लेकिन कह रही तुम ही बोलिए, तो हम आपको बता रहे हैं बना सरिता जी रही हैं। लहसुन और हरी मिर्च पक गई है, अब इसी में लौकी डाल देंगी जो उबाल के रखी हुई थी और इस तरीके से ढक के फिर इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए बिल्कुल गांव का देसी स्टाइल, ना इसमें गरम मसाला पड़ा है, ना काली मिर्च पड़ी है, ना तो जीरा पड़ा हुआ है, लेकिन स्वाद मतलब बहुत ही अच्छा आता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा टेस्टी स्वाद आता है। ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, तो खाने में जाहिर सी बात है कितनी टेस्टी लगेगी। अरे पानी आ जाएगा हाँ, बता रही है पानी आ जाएगा मुँह में, बताओ कैसी लगे? देखिए पानी आ जाएगी मामा। हाँ रेसिपी देख के पानी आ जाएगा, खा के तो और भी पानी आ जाएगा। तो इसे अच्छे से भून लेंगे, इसमें ज़्यादा किसी भी प्रकार का मसाला नहीं पड़ा है, सिर्फ हल्दी मिर्च और नमक और हरी मिर्च और लहसुन, ठीक है। और इसी तरीके से आप ये रेसिपी बनाएं तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस कैसी रेसिपी बनी है। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे और रेसिपी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। तो लौकी को अच्छे से भून लिया है और लौकी हमारी कंप्लीट बनके तैयार हो गई है। आप भी इसी तरीके से बनाएं, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मेरी रेसिपी मतलब सरिता जी की रेसिपी कैसी लगती है। और अब इसे हम चावल की रोटी, गेहूं की मोटी रोटी उसके साथ खाएंगे और बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए आप हमारी रेसिपी के साथ बने रहिए, हमारी रेसिपियाँ देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।